क्या किसान साथी 20 रुपए की घोल का इस्तेमाल करके अपने खेत में कीट व बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं? इसके साथ ही उसी घोल का इस्तेमाल करके अपने भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ा सकते हैं और यूरिया डीएपी में काफ़ी हद तक कमी कर सकते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, सदियों से किसान अपने फसल अवशेष को कचरा समझकर जला देता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है तथा साथ ही उन फसल अवशेषों से उत्पन्न होने वाली खाद भी भूमि को नहीं मिल पाती है। किसान अगर उन फसल अवशेषों को जलाए नहीं तो वे फसल अवशेष लंबे समय तक सड़ते नहीं है, जिससे अपने को भूमि में दीमक की समस्या देखने को मिलती है और भूमि में खड़ी फसल भी काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान अपने को उसमें देखने को मिलता है। तो साथियों, आज अपन इफ्को द्वारा बनाए बायो डिकम्पोजर के बारे में सारी जानकारियों पर चर्चा करेंगे कि बायो डिकम्पोजर क्या है और इसका घोल अपन किस प्रकार से बना सकते हैं और इस घोल का उपयोग भूमि में अपन किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस बायो डिकम्पोजर का घोल अगर भूमि में या फसल में अपन उपयोग करते हैं तो अपने को क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं, तो वीडियो आप अंत तक देखें जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके और आप इस जानकारी का लाभ ले सके और अच्छा उत्पादन आप अपने खेतों में ले सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इफ्को का जो बायो डिकम्पोजर है वो क्या है और किस प्रकार से अपने खेतों में काम करता है। किसान साथियों, इफ्को बायो डिकम्पोजर एक लाभकारी सूक्ष्म जीवों का समूह है जो कि फसल अवशेष, पशुओं का बिछावन, गोबर तथा अन्य कचरे को जैविक खाद के रूप में तेजी से बदलकर कृषि हेतु उपयोगी बना देता है। इसके साथ साथ इफ्को बायो डिकम्पोजर कृषि के कचरे तथा फसल अवशेष प्रबंधन की एक सस्ती व कारगर तकनीक है। इफ्को बायो डिकम्पोजर की एक बोतल से एक वर्ष में लगभग 1,00,000 मीट्रिक टन से अधिक जैविक खाद का उत्पादन किया जा सकता है और इफ्को बायो डिकम्पोजर की आपको जो बोतल है वो 20 रुपये की पैकिंग में आपको मिल जाती है। मतलब 20 रुपये में आपको इतने सारे लाभ मिल सकते हैं। आप बिना किसी अन्य रासायनिक खाद के उसकी कमी से भी आप अच्छी प्रकार से खेती अपने यहाँ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इफ्को बायो डिकम्पोजर का जो घोल है वो किस प्रकार से बनाते हैं। मतलब इफ्को बायो डिकम्पोजर अकेली शीशी से काम नहीं चलेगा, आपको इसके लिए मदर कल्चर आपको बनाना पड़ेगा। इफ्को का जो बायो डिकम्पोजर है उसका आपको घोल तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके लिए आपको एक प्लास्टिक का 200 लीटर का ड्रम चाहिए जिसमें आपको 2 किलोग्राम गुड़ को घोल लेना, अच्छी तरह घोल लेना है। इसके बाद इफ्को बायो डिकम्पोजर की एक शीशी लेनी है, बोतल लेनी है और उसके अंदर जो उपस्थित जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है उसको बिना छुए आपको उसके ड्रम के अंदर घोल देना है। अच्छी प्रकार से आपको अच्छी तरह घोल देना है उसके अंदर। उसके बाद आपको रोज उस जो 200 लीटर का ड्रम है उसको डंडे से अच्छी तरह मिक्स करना है, उसको अच्छी तरह हिलाना है। तो आपको आप देखेंगे 5 से 7 दिन के अंदर आपको ड्रम के घोल के ऊपर झागदार सतह आपको दिखाई देगी। इसके साथ उसमें जो एल्कोहलिक गंध है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगी और इसी के साथ आप देखेंगे कि उसके जो रंग है वो थोड़ा हल्का सफ़ेद और हल्का थोड़ा मटमेला हो गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इफ्को का जो बायो डिकम्पोजर का घोल है वो आपको तैयार मिल चुका है। जब अपने पास से इफ्को बायो डिकम्पोजर का जो घोल है वो तैयार हो जाए तो अब बात करते हैं कि इसका उपयोग अपन किन किन माध्यमों से कर सकते हैं और किस किस प्रकार से अपन खेत में इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं या इसका उपयोग स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। तो इससे पहले अपन बात करेंगे क्या इफ्को बायो डिकम्पोजर के अपने खेत में क्या क्या लाभ हैं, अपनी भूमि में अपने को क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लाभों की बात करते हैं, बेनिफिट की बात करते हैं। फसल अवशेष को कंपोस्ट बनाने में उपयोगी, अगर कोई पराली है, फसल अवशेष जड़े हैं तो उसको ये कंपोस्ट बना देगा। इसके बाद बात करते हैं अगले लाभ की, ये पशुओं का जो बिछावन है, जो पशु बढ़ता अन्य जो कचरा है उसको जैविक खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा जो अगर अपन बीज उपचार करके बीज से होने वाली जो विभिन्न बीमारियां हैं जैसे फंगस की जनित है या फिर कीट जनित है उन बीमारियों से अपन छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका मतलब अपन इसका बीज उपचार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो परिणीय छिड़काव के द्वारा विभिन्न कीट व बीमारियों से रोकथाम इसके द्वारा अपन कर सकते हैं। मतलब इसका अपन स्प्रे करके जो कीट और बीमारियां जो पौधों पर लगती है, मिर्च की फसल हो चाहे अन्य प्रकार की किसी प्रकार की फसल हो, तो उसमें जो कीट व बीमारियां लगती हैं उनसे अपन छुटकारा पा सकते हैं इसके स्प्रे के द्वारा। इसके अलावा बात करते हैं अगले लाभ की, तो टपक सिंचाई पद्धति है, मतलब ड्रिप सिस्टम है, उसके द्वारा अगर प्रयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है, भूमि में जैव अंश की वृद्धि होती है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगले लाभ की, तो इफ्को बायो डिकम्पोजर का उपयोग कर लागत कम की जा सकती है, इसके साथ साथ उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
तो साथियों अब अपन बात करते हैं कि इफ्को बायोडिकम्पोजर का उपयोग अपन फसल में किन किन माध्यमों से कर सकते हैं, भूमि में किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजोपचार की। बीजोपचार करने के लिए बुआई से पूर्व सभी प्रकार की फसलों के बीज हो, चाहे वो अनाज वर्गीय फसल हो या फिर सब्जी वर्गीय फसल हो या फिर दलहनी फसलें हो, सभी प्रकार के फसलों के जो बीज हैं उसको 5 ml बायोडिकम्पोजर के घोल में प्रति किलोग्राम की दर से अपने को समान रूप से भिगोना है या फिर उस पर छिड़काव करना है। उसके बाद उपचारित जो बीज है बीजोपचार करने के बाद उसको 30 मिनट तक छाया में सुखाना है। उसके बाद अपने को इसकी बुआई कर देनी है, तो अपने को प्रॉपर लाभ अपने को बायोडिकम्पोजर का बीजोपचार के माध्यम से मिल सकेगा। अब बात करते हैं ड्रिप विधि में अपन किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ड्रिप विधि की अगर अपन बात करें तो ड्रिप विधि के लिए 200 लीटर बायोडिकम्पोजर का घोल है वो प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप विधि में चला सकते हैं। ड्रिप सिस्टम में आप इसका उपयोग अपने खेत में कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इफ्को बायोडिकम्पोजर घोल का अगर ड्रिप विधि से अपन खेत में सिंचाई करें या ड्रिप विधि से इसका इस्तेमाल करें तो अपने को क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लाभ ये आता है कि खेत की जैविक, रासायनिक व भौतिक दशा में सुधार अपने को देखने को मिलता है। इसके साथ ही भूमि की जो उर्वरा क्षमता है, खेत की उर्वरा क्षमता है, उसमें अपने को वृद्धि देखने को मिलती है। इसी के साथ ही भूमि भुरभुरी बनती है, भूमि मुलायम बनती है, जो वायु का निकास है वो अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो लाभदायक फंगस होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, और फास्फोरस के लिए फास्फोगोलक बैक्टीरिया है, या फिर जो अपने पोटाश के लिए पोटाश सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया है, उनकी जो वृद्धि है वो देखने को अपने को मिलती है, जिससे जो भूमि में उपस्थित जो पोषक तत्व है, जो पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसको इस प्रकार से अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करवाते हैं जिससे पौधा उसको ग्रहण कर पाए। और अब बात करते हैं इफ्को बायोडिकम्पोजर घोल का अपन स्प्रे फसल में किस प्रकार से कर सकते हैं और उसके अपने को क्या क्या लाभ मिलते हैं। इफ्को बायोडिकम्पोजर घोल का अपन पानी का 1:3 के घोल से परणीय छिड़काव अपन कर सकते हैं। तो मतलब अगर अपने पास 20 लीटर की अपने पास टंकी है तो आप 5 लीटर उसमें बायोडिकम्पोजर का घोल ले सकते हैं और 15 लीटर आप उसमें पानी मिलाकर आप अपनी फसल में स्प्रे निकाल सकते हैं। अगर आप इसका स्प्रे अपनी फसल में निकालते हैं तो आपको कीट व बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपको अलग से पेस्टिसाइड का खर्चा, वो खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं इफ्को बायोडिकम्पोजर घोल से फसल अवशेष को कंपोस्ट में किस प्रकार बदला जाता है। फसल अवशेष को कंपोस्ट बनाने के लिए आपको फसल कटाई के पश्चात जो पराली बचती है या फिर जड़ें बचती है उस अवशेष पर 200 लीटर बायोडिकम्पोजर घोल का छिड़काव करना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद अपने को एक सिंचाई करनी है और उसके बाद उसको पलाव या हेरो के माध्यम से उस फसल अवशेष को भूमि में दबा देना है और अपन देखेंगे 15 से 20 दिन में ही वो गलकर खाद का रूप धारण कर लेगी। इस प्रकार से अपन बायोडिकम्पोजर का 20 रुपये की शीशी से ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। बहुत कम खर्चे में आप शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथी।